जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है 2015 मॉडल की सुबारू की प्लियो प्लस के नाम है। ये शेप काफ़ी कॉमन है, मोस्ट कॉमनली ये मीरा के नाम से है। इसमें ही काफ़ी लोग इसके बारे में कंफ्यूज हैं कि ये जो है वो कोई और गाड़ी है, बट मीरा डायहात्सू में मीरा के नाम से आती है, सुबारू में प्लियो प्लस के नाम से आती है, टोयोटा में यही शेप पिक्सिस अपोच के नाम से आती है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, जिन प्यारे भाइयों ने जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ये कि कोई बात हो लाजमी पूछें कमेंट में, नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना किया करें। सुबारू की ये शेप फ़र्स्ट टाइम 2011 के लगभग आई थी ये वाली शेप, इससे पहले इसकी पुरानी शेप चलती थी। काफ़ी लोग इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि ये गाड़ी है, ये मीरा है, मीरा है मीरा नहीं है तो सुबारू नहीं है, सुबारू है तो प्लियो नहीं है। बट मैं बता दूँ, ये जो रौला है इस चीज़ के बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ये क्या होता, क्या मसला मामला क्या होता है, क्यों इसको प्लियो प्लस कहते हैं, टोयोटा में पिक्सिस अपोच है, डायहात्सू में मीरा है, क्या मसला क्या है। मसला भाई ये होता है, ये कंपनीज जो हैं, ये जो डायहात्सू है जब एक शेप बिकने लग जाती है उनकी, तो वो कोलैबोरेशन कर लेते हैं दो तीन कंपनीज के साथ, क्या आप अपना मोनोग्राम लगा के शेप हमारी चलाएं, उसके कुछ राइट्स उनको सेल कर देते हैं। तो ये यहाँ बेसिकली यही चक्कर हुआ है कि राइट्स सेल कर दिए इन्होंने टोयोटा को पिक्सिस अपोच के नाम से, सुबारू को प्लियो प्लस के नाम से, और जो ओरिजिनली आती है डायहात्सू की मीरा, और ये मैन्युफैक्चरिंग डायहात्सू की ही है। इस पे इसके दरवाज़ों में आप देखिए मोनोग्राम इसका ही लगा हुआ है। इस शेप में जो मीरा आती है, मैंने काफ़ी लोगों को उसके बारे में उस टाइम कहते सुना था कि मीरा दी गड्डी, मीरा दी गड्डी, बट बिलीव मी ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने यहाँ तक ये भी सुना था कि रीमा दी गड्डी नहीं आई, फिल्म एक्ट्रेस जो मीरा है और रीमा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये है कि इस गाड़ी में, इस केस में ऐसी कोई बात नहीं है, ये सुबारू है, इसको इतना लोग नहीं जानते और इसके बारे में ऐसा कोई बात नहीं। बट जो दूसरी इस शेप में मीरा है, जब वो नहीं आई थी उसके बारे में मैंने ये खुद लोगों से बातें सुनी थी कि मीरा दी गड्डी आ गई, मीरा दी गड्डी आ गई। बैक से देखी जाए तो गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और LEDs हैं, जो कि मेरा ख्याल है इसका प्लस फैक्टर है। शेप देखा जाए तो बैक से भी काफ़ी एरोडाइनमिक है और छोटी शेप है इसकी। और ये कि इसको कह सकते हैं कि फैमिली कार, ये कि यहाँ हमारे मुल्क में इसको कह सकते हैं, बट ये कि जापान में वो लोग इसको प्रॉपर फैमिली कार नहीं कहते, क्योंकि ये हैचबैक सी शेप है। और ये कि गाड़ी वैसे ओवरऑल ठीक है, पार्ट वाइज भी इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं, सर्विस मेंटेनेंस भी इसकी कोई इतना महंगी चीज़ें नहीं है, पार्ट इसका आपको हर बड़े शहर से मिल जाता है, बिल्कुल लाजमी मिलता है। और जापान में भी मैं इसके बारे में बता दूँ कि कामयाब तरीन मॉडल है, ये कामयाब तरीन मॉडल है। एक चीज़ जो मुझे जापानीज़ गाड़ियों के बारे में बहुत अच्छी लगती है, आप इनकी बिल्ड क्वालिटी चेक करें, मटेरियल चेक करें, जस्ट इसको स्लाइड से पुश करते हैं और ये बिल्कुल ऊपर आ जाता है, देख रहे हैं। यही चीज़ें हैं भाई, यही चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ हमारी लोकल गाड़ी में हो, इसी के लिए मैं कहता हूँ। और जहाँ तक डिग्गी का ताल्लुक है तो डिग्गी में स्पेस अगर देखा जाए वैसे ठीक है, बट ये कि अगर आपने ज़्यादा सामान रखना है तो आपको ये सीटें टिल्ट करनी पड़ेंगी। और ये कि प्रॉपर, क्योंकि ये उस तरह की गाड़ी नहीं है, बाकी फ्यूल पंप इनमें आता है, स्टपनी इन गाड़ियों में नहीं होती। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते हैं, स्टपनी नहीं होती, फ्यूल पंप और लिक्विड होता है, ताकि अगर कल को गाड़ी आपकी पंचर हो जाए तो वो उसको सपोर्ट करता है, बट अगर टायर फट जाए तो उसको नहीं ये चीज़ सपोर्ट करती। साइड से देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है, गाड़ी की लुक, गाड़ी की खूबसूरती, गाड़ी की ब्यूटी हर जगह है, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखा गया। और देखा जाए तो काफ़ी एरोडाइनमिक टाइप शेप बनाई गई है। इसमें टायर कैप है 14 का, जो ओरिजिनल रिम है इसमें टायर आता है, क्योंकि इसमें रिम नहीं है, रिम इसमें फुली लोडेड में आता है। हमारे मुल्क में देखा जाए तो लेडीज़ के लिए एक बेस्ट गाड़ी है और इजी टू गो है, और इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, जस्ट आपने चाबी पकड़ी स्टार्ट की। और इसमें जो नई शेप आ रही है उसमें पुश स्टार्ट भी आ रहा है, इसमें भी फुली लोडेड में पुश स्टार्ट आता है, एक्सेसरीज आती हैं, क्रोम के रिम आ जाते हैं। इसमें भी देखा जाए तो काफ़ी, अगर जिस तरह हमारी यहाँ लोकल में होता है कि एक्सेसरीज निकाल दी जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये अलग सादे पैकेज की गाड़ी है, इसमें भी देख रहे हैं टायर कैप, रेन वाइजर, टिंटेड ग्लास, सारा कुछ है। बट एक चीज़ है ज़रूर, इसमें थोड़ा सा क्लियरेंस का इशू है, नीचे लगती गाड़ी तीन बंदों के साथ, बट वो भी हल हो जाता है अगर आप इसमें पैकिंग रखवा लें, और इसमें यह कि एक साइज़ बड़ा जो है टायर, इसमें टायर लगवा लें, तो वो उससे भी मसला आपका हल हो जाता है। जहाँ तक इंजन का सवाल है तो 660cc में देखा जाए तो हर चीज़ की फ़िटिंग, हर चीज़ की बिल्ड क्वालिटी आपको पता चलती है। कूलेंट तक आप देखें, कूलेंट की इसकी क्वालिटी, और इसका लोकल में ये होता है किसी गाड़ी का इधर होता है, किसी में इधर होता है, किसी का बहुत नीचे होता है, बट इसका देख लें ईच एंड एवरीथिंग, इसकी पाइप की क्वालिटी, इसकी मटेरियल की क्वालिटी, ABS हर गाड़ी में उनकी होता है, फ्यूज़ बॉक्स देखें, हर चीज़ है इस पर लिखी हुई है, मेंशन है। यही चीज़ें भाई, यही चीज़ें मैं कहता हूँ, बाकी बैटरी चेंज है, ये हमारी लोकल है, और मेरा ख्याल है हर चीज़ की फ़िटिंग आपके सामने है, और काफ़ी एक इसको प्यार से पता चलता है और टाइम देके इसको बिल्ड किया गया, और ये नहीं कि जल्दी में जी ऑप्शंस ही निकाल दिए गए हों, या इसमें मतलब सीलें इसकी लीक कर रही हों, या आपको नज़र कवरिंग इसकी नज़र आ रही हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं। आप ईच एंड एवरीथिंग देखें, एक ये भी देखें इसका मतलब
क्लिप ही की देख लें, कितना सॉफ्ट है, इस पर रबड़ लगा है कि आपके हाथ पे ना लगे। आप ये देखें, वो लोग कितनी चीज़ों का ख्याल करते हैं, और हमारे यहाँ किसी चीज़ का, एक चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जाता। जहाँ तक इंटीरियर का ताल्लुक है तो गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है, और इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये डिजिटल मीटर है, और इसकी ग्लो भी काफ़ी अच्छी है, और आप जब रात को चलाते हैं तो एक काफ़ी अच्छी आपको फीलिंग आती है। और इस ये गाड़ी के चलने की वजह भी एक इंटीरियर में इसके लोगों को एक ये चीज़ बड़ी पसंद आई थी, क्योंकि ये नंबर हैं बड़े बड़े, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर देखा जाए तो दूसरा मीटर भी है, बट वो थोड़ा सा अगर देखा जाए ऑब्सोलीट है। इंटीरियर वाइज बस ये है कि गाड़ी में अगर देखा जाए आज के टाइम के हिसाब से तो वो मॉडर्न एक्सेसरीज नहीं है। और एक चीज़ जो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बैक व्यू कैमरा और टीवी कोई नहीं है, LCD या टीवी कुछ भी बोल लें वो नहीं है। बाकी बटन्स का जहाँ ताल्लुक है वो भी अगर देखा जाए काफ़ी ऑब्सोलीट है। बट एक चीज़ है, ये गाड़ी उधर लेबर क्लास के लिए, भाई ये लेबर क्लास के लिए, ये उधर मजदूर चला रहे होते हैं, हमारे मजदूरों की तरह वहाँ बाइक पे नहीं फिर रहे होते, ये वो चला रहे होते हैं। अब आप इसमें भी देखें, दो एयर बैग भी दिए हुए हैं, दो एयर बैग भी हैं, मतलब वो ये चीज़ ये नहीं करते कि मज़दूरों की गाड़ी है तो चीज़ें निकाल दी। और एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर आप देखें ये पेट्रोल के लिए, मतलब पेट्रोल का भी है ये जो इधर है, ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें बहुत ईजी होता है आपको। बाकी हैंड ब्रेक है, मैंने बताया उस हिसाब से थोड़ी ऑब्सोलीट है, बट इसकी नई शेप में काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, इम्प्रूवड हैं, और आर्म रेस्टर की कमी है बिल्कुल जो महसूस होती है बिल्कुल है। और शीशे भी देखे जाएँ तो काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं अगर इसके, और इसमें भी ये है कि शीशा है, लाइट, मतलब हर देखें वो चीज़ का ख्याल करते हैं। और ये है कि गाड़ी अच्छी है, ये बिकी भी फ्यूल एवरेज की वजह से थी, और अभी भी देखें तो इसकी मीटर पे शो होती है 19 की एवरेज शो हो रही है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है, 19 प्लस है। लोग इसको कहते हैं कि इसके बारे में इसकी एवरेज 22-23 है, बट मैं उस चीज़ को नहीं मानता, मैं यही कहता हूँ इसकी 18-19 एवरेज है गर्मियों में, सर्दियों में तकरीबन 20 को टच कर जाती है। ड्राइव वाइज भी गाड़ी बहुत स्मूथ है, और देखा जाए तो इस टाइम पैरों से निकल रही है, आप देखें मैंने कोई रेस पे पाँव नहीं रखा हुआ, और गाड़ी जो है बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ बढ़ती जाती है, देख रहे हैं मैंने कोई इस पे रेस पे पाँव नहीं रखा हुआ। ड्राइव वाइज गाड़ी बहुत सॉफ्ट है, और बेस्ट कार है, मेरे ख्याल है बेस्ट फैमिली कार है, क्योंकि जापान में ये लेबर क्लास के लिए होती हैं, उन लोगों के लिए होती है जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक चीज़ ज़रूर है, जैसे कि अभी आपको आवाज़ भी आई होगी वीडियो में, थोड़ी सी इसकी क्लियरेंस का इशू है, क्योंकि ये जापान में ये गाड़ी बनाई गई है दो मियाँ बीवी के लिए, या मतलब एक दो बंदों के लिए, तो वहाँ ये नहीं है कि इसको प्रॉपर फैमिली कार वो नहीं बोलते, हमारे इसको यहाँ फैमिली कार में आया जाता है, इसको टर्म में लाया जाता है। मीरा की जो पुरानी शेप थी उसके बारे में ये काफ़ी चीज़ थी, और बिल्कुल सच थी कि एसी का काफ़ी इशू था, बट इस शेप में इन्होंने जैपनीज़ ने, मैंने पहले बताया, बहुत काम किया है उन्होंने 2010-11 के बाद, बहुत काम किया एसी पे, गाड़ी की पिक पे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने पुरानी शेप जो है उस पर मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था एसी का, एसी चलाते थे गाड़ी पिक नहीं लेती थी, बट इस गाड़ी में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी एसी की थ्रो कूलिंग बहुत अच्छी है। अब आपको फिर आवाज़ आई होगी, जस्ट इसमें थोड़ा सा क्लियरेंस का, बट वो भी मसला हो जाता है अगर आप इसमें पैकिंग रखवा लें, या आप इसमें जो है टायर एक साइज़ बड़ा रखवा लें, क्योंकि इसमें जो आता है जेन्युइन 14 का आता है, 15 का लगवा लें तो बेहतर है। इस गाड़ी की एसी की थ्रो भी बहुत अच्छी है, और एसी पे गाड़ी बैठती नहीं है, सबसे इसकी मज़े की बात एसी पे बैठती नहीं है, और इसे आजमाया है, गर्मियों में भी चलाया है, बहुत स्मूथ है गाड़ी, बिल्कुल नहीं बैठती। जस्ट एक चीज़ ज़रूर है, आप एक चीज़ का ज़रूर ख्याल करें, जो लोग ये गाड़ियाँ रखते हैं, हाई ऑक्टेन का यूज़ ज़रूर करें, ट्वाइस अ मंथ करें, मिनिमम ट्वाइस अ मंथ आप ज़रूर करें। और ड्राइव में काफ़ी अच्छी सॉफ्ट है, और ये कि मेरा ख्याल है परफेक्ट फैमिली कार है, अगर आपका कम बजट है तो आप लाजमी लें ये गाड़ी। जहाँ तक लेग स्पेस का सवाल है तो इसमें ठीक है, लेग स्पेस थोड़ा सा वैसे लगता है, बट ठीक है उस हिसाब से, अगर आप 660 cc के हिसाब से देखें तो ठीक है उस हिसाब से, मतलब मैं कोई अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ठीक बैठा हूँ खुला होके, बट एज़ कम्पेयर टू होंडा की एन सीरीज़ देखें, या सुजुकी में हसलर देखें, XB देखें, या और कोई आप टेंटो कस्टम या और कुछ गाड़ी देखें, तो उस हिसाब से थोड़ी कम है इसमें, तो ये चीज़ है थोड़ा सा इसमें स्पेस का है। बाकी तीन बंदे पीछे इजी होके बैठ सकते हैं, बट लॉन्ग में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी। सीट देखा जाए तो काफ़ी इसका फैब्रिक काफ़ी कंफर्टेबल है, और एक चीज़ मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी लगती है, इसके बटन्स की क्वालिटी देखें, बटन्स की क्वालिटी आपके सामने है, पता चलता है बिल्ड क्वालिटी उनकी, हर चीज़ का उन्होंने ख्याल किया गया, रेन वाइज़र भी है, और गाड़ी में जो हेडरूम है काफ़ी है, छत इसकी काफ़ी ऊंची है, जो कि मेरे ख्याल है लॉन्ग, इस चीज़ का आपको लॉन्ग पे पता चलता है, और इस चीज़ को अगर आपने एंजॉय करना है तो लॉन्ग पे इसका मज़ा आता है। बाकी हर चीज़ है, इसको कहा जाए सोफ़ा सीट है, बिल्कुल कंफर्टेबली बंदा इजी होके इसमें लॉन्ग ड्राइव पे बैठा हो, काफ़ी मज़ा आता है। बट ये कि ये अगर इसकी क्लियरेंस का इशू है, तो अगर
क्लियरेंस का इशू है, तो ये चीज़ भी इसकी फीचर एसेसरीज ने ये चीज़ कवर कर दी है। आप देखें ना, लोकल गाड़ी, हमारी लोकल गाड़ी की जहालत से तो निजात है कि नहीं है। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के बारे में बहुत अच्छी लगती है और बहुत अट्रैक्टिव है, ये चीज़ देख रहे हैं, ये बम्पर सेंसर है और रडार है, ठीक है। इसमें शीशे में रडार नहीं आता, इधर रडार लगा हुआ है और साथ में बम्पर सेंसर है। कोई चीज़ आगे आए ये गाड़ी टूट टूट करके बोलती है और ऑटोमेटिकली रुक जाती है। मोनोग्राम का ताल्लुक है, मोनोग्राम भी काफ़ी अच्छा है और आपको पता चलता है मटेरियल अच्छा यूज़ किया गया है इन्होंने। ऑप्शंस देखा जाए तो ये सादा पैकेज हो के भी इसमें इतने ऑप्शंस हैं, देख रहे हैं। ये बेसिकली कोलिजन का होता है, ये रडार का ऑप्शन है, किसी में CTBA के नाम से आता है, किसी में इस तरह ये तस्वीर बनी होती कोलिजन की। बाकी ये ट्रैक्शन है, इसमें इको आइडल ऑफ भी कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी इशारे पे बंद हो जाती है। फिर इसमें ये बीम की भी थ्रो है, और जो कि मेरे ख्याल है एक बहुत अच्छी बात है, इसमें पुश स्टार्ट भी आती है, फुली लोडेड जो होती है उस पैकेज में पुश स्टार्ट आती है। कमी ज़रूर एक चीज़ की लगती है कि TV बैक व्यू कैमरा होता तो गाड़ी बेस्ट थी, फिर एक ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है इसमें, देख रहे हैं ये जैपनीज़ है, ये जैपनीज़ का एयर फ्रेशनर है। आप इसकी क्वालिटी देखें पता चलता है ये जैपनीज़ का एयर फ्रेशनर है, आप इसकी क्वालिटी देखें आपको पता चलता है, और इसकी खुशबू अब तक आ रही है। मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता क्यों, बट अभी तक आ रही है। जहाँ तक इसकी फुल स्पीड का ताल्लुक है तो इसकी 140 है, और यकीन माने मैंने रिंग रोड पे ये गाड़ी 139 पे चलाई हुई है। आजकल विदाउट AC गर्मियों में, मैंने आज की बात बता रहा हूँ, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो इतनी स्पीड पे गाड़ी थी, मैं वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा और फिर काफ़ी डेंजरस हो जाता है। बट ये कि मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाता, और ये है कि 139 तक, ये 140 का मीटर है, 139 तक गई है गाड़ी इसमें। उम्मीद करता हूँ मेरा सुबारो की प्लियो प्लस का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की, काफ़ी चीज़ें इसके बारे में स्टिल मिसिंग होगी, बट ये कि मैं कोई तैयारी शहरी नहीं करता रिव्यूज़ की, मेरे जो जहन में होता है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है मैं वो आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप प्रोफेशनली रिव्यूज़ नहीं करते, तो मैं ये पहले बता दूँ मेरा स्टाइल रफ टफ ही है और यही मेरा स्टाइल है, तो भाइयों मैं इस तरह ही रिव्यू करता हूँ। बाकी आपने भी किसी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो आप भी लाजमी कमेंट्स में लिखें, लाजमी मुझे बताएं, मैं उसका रिव्यू करूँगा। और मैंने कोशिश काफ़ी की इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताऊँ, स्टिल काफ़ी चीज़ें मिसिंग हो गई होंगी बिल्कुल। और इसको ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना किया करें। और मैं ये भी बता दूं कि ये गाड़ी फॉर सेल है, अगर कोई इंटरेस्टेड, सीरियसली इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको इसकी लोकेशन और उनका नंबर भेज दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करके गाड़ी की डिटेल्स ले सकते हैं। और यही जाते जाते कह दूँ कि कोई बात हो लाजमी करें, बट प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कोई बात हो लाजमी करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।